देश के पहले रिवर लिंक प्रोजेक्ट केन बेतवा पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन से लेकर बुंदेलखंड की जीवन धारा, बेतवा नदी की उद्गम स्थल सरकारी और सामाजिक उपेक्षा का उदाहरण बन चुका है। इस धार्मिक स्थल का ना तो कोई विकास हो रहा है और आसपास लगने वाले शराबियों के जमघट ने तो इस स्थल की महत्वता को तार तार कर दिया है। इंडिया फर्स्ट टीम ने जब यहाँ का मुआयना किया तो कई चौंका देने वाली जानकारियां हमारे सामने आई। देखिए सरकारी बेपरवाही की पोल खोलती इंडिया फर्स्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। भोपाल से चंद किलोमीटर दूर कोलार रोड पर मौजूद है मां बेतवा का ये उद्गम स्थल। टूटी फूटी दीवारें और बदहाल पहुंच मार्ग को देखकर एक बार तो यकीन ही नहीं होता कि क्या ये उसी बेतवा नदी का उद्गम स्थल है जिस पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश का पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का, केन बेतवा को जोड़ने का हमने बिड़ा उठाया। इतिहास का इसका नाम है बेतरावती उद्गम और बेतवा के उद्गम के नाम से झिरी गांव बना ग्राम झिरी बेतवा उद्गम और इसका स्वरूप माँ बेतरावती का झिरी के नाम से प्रभाव हुआ इस नदी का। और इस जगह पे 5 झिरन है, यहाँ 5 कूप है छोटे छोटे और 1 किलोमीटर के एरिया में ये बेतवा का उद्गम प्रभाव। यहाँ सर कोई नहीं आया सहयोग के लिए, आते नेता लोग बक जाते। मुख्यमंत्री आए शिवराज सिंह तब थोड़ा सा ये रोड बना, उसके बाद सब नेता आए मंदिर टूटने के बाद बोल के गए। कलेक्टर साहब आए 25 लाख बोल गए, हम गप लगाए, आज तक कुछ नहीं हुआ। इतना महत्वपूर्ण स्थान जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है वो भी राजनीति से अछूता नहीं रहा। सरकार के पास कमल उनने कह दी भूमाफिया में कौन है तोड़ दो। अच्छा। तो हमारे मंदिर तोड़ दो सीधी कमल सरकार आई थी ना उस टाइम। मां नर्मदा के तटों पे मंदिर बने हैं तो माँ बेतवा का उद्गम स्थल मानते हैं, ये तो निश्चित रूप से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फॉरेस्ट वाले ने एकदम तोड़ दिया, नहीं तो पहले तो बन गया था। फॉरेस्ट वाले हम बना नहीं देते, वो तो मुश्किल से अब बन रहा है। पूरा बना बना है तोड़ डाला था जी। यहाँ मंदिर का बनाने की जरूरत है, साफ सफाई का बनाने की जरूरत है। ऐसी रहा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? खत्म हो जाएगा उद्गम स्थल, रहेगा ही नहीं, पूरा टूट के खत्म हो जाएगा। यहाँ पे खास होना चाहिए, तीर्थ यात्रा स्थल है तो उसको वो दिया जाए। बस प्रकृति की देन है, उस चीज को आप नहीं देखोगे तो धीरे धीरे करके जो चीजें मतलब नष्ट होते जाएगी। आपको बता दें कि इस स्थल से यमुना में मिलने तक बेतवा नदी करीब 590 किलोमीटर तक बहती है। ये रायसेन भोपाल विदिशा होते हुए सांची ओरछा हमीरपुर जिलों में बहती है और करीब 7 लाख हेक्टेयर की भूमि को सींचने में अपनी भूमिका निभाती है। प्राचीन साहित्य में बेतवा नदी को बेतरवती कहा गया है। इसका वर्णन कालिदास द्वारा रचित मेघदूत पुस्तक में मिलता है। इसमें बताया गया है कि प्राचीन समय में इसके किनारे कई प्रकार की सभ्यताओं का भी विकास हुआ था। यही नहीं, बेतवा नदी के किनारे रामायण और महाभारत कालीन दशान क्षेत्र था। उस समय इसकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी, जहाँ देश की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थलों को विकसित कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं बेतरवती नदी के आसपास शराबियों ने अपने छोटे छोटे अड्डे बना लिए हैं। नदी की जलधारा के आसपास छुट्टी के दिन तो ऐसे शर्मनाक दृश्य सामने देखने को मिलते हैं।
क्यों करते हैं? अरे मुर्गा का आदेश ले बाबा, तू क्या करेगा, ले दारू चढ़ा दे शंकर, तू क्या करेगा रात में? पर अब उन्हें हम देख रहा है कैसे हो रहा है, मंदिर भी नहीं बना हुआ है वो तो, ये जैसे मतलब एक धार्मिक स्थल है, यहाँ देखने लोग आते हैं तो मतलब एक बैठने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सुचारू रूप से मतलब व्यक्ति क्या है कि यहाँ आ रहा है तो उसको सुविधा होनी चाहिए, नेटवर्क सही मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, पर यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है अभी उस संबंध। शराबी लोग भी यहाँ पर आते हैं? हाँ वो तो अब क्या है रात में मतलब यहाँ तो कोई सा विभाग भी ध्यान नहीं देता रात में, ये देखिए आप यहाँ कई क्वार्टर मिलेंगे आपको, मतलब शराबी बैठे ही रहते हैं, वो तो उन्होंने एक स्थान बना लिया बैठने का। मंदिर है तो फिर रोका जाना चाहिए, ऐसे स्थलों पे अवांछित तत्वों का रोका जाना उचित होगा। झिरी के आसपास कई शैलाश्रय बने हुए हैं जिनमें आदि मानव निवास करते थे। यहाँ हुए पुरातत्व सर्वेक्षण में करीब 15 लाख साल प्राचीन पत्थर के औजार भी मिले थे, ताम्र संस्कृति के अवशेष भी पाए गए थे। इस क्षेत्र की खोज 1975 में प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की थी। वन विभाग के सर्वेक्षण में भी इसे बेतवा उद्गम बताया गया है, लेकिन इस स्थल पर जिस तरह से सरकारी अनदेखी की जा रही है उससे बेतवा का यह बहता पानी आंखों से बहते हुए अश्रुओं की तरह प्रतीत होता है। और ये बेतवा सोर्स रीजन जो है, बेतवा का उद्गम क्षेत्र है, बहुत सांस्कृतिक धरोहर से बहुत परिपूर्ण है, जहाँ आदि मानव की सभ्यताएँ प्रारंभ हुई और पनपी और आगे तक चली। और ये नदी के बारे में देखा जाए तो धीरे धीरे यहाँ से कई जिलों को कवर करती जाती है, जिसमें भोपाल के निकट जाती है, रायसेन जाती है, विदिशा जाती होती है, आगे निकल जाती है। तो इस नदी का जो धार्मिक और पौराणिक जो महत्व केवल इतना है कि हम साहित्य में देखते हैं तो कालिदास ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है, और उसने अपने मेघदूत को कहा है कि जब वो दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाता है तो विदिशा बोला विदिशा होते हुए जाना, और जो विदिशा होते जाते हैं तो वहाँ पर बीच में एक नदी बहती है, उसको उन्होंने वेत्रवती बताया, और वेत्रवती नदी जो यहाँ से निकलती हुई आगे जाती है और आगे जाके झांसी के निकट होती हुई, ओरछा होती हुई, ये सुल्तानपुर जाके जमुना नदी में मिल जाती है। क्योंकि इसका पौराणिक महत्व देखा जाए तो बहुत ही है, ऐसा कहा जाता है विदिशा के अंदर भगवान राम जब वनवास के क्षेत्र में आए थे तो बेतवा नदी के किनारे रुके थे, और वहाँ पर चरणतीर्थ नाम का बहुत अच्छा स्थान है जहाँ राम रुके थे, क्योंकि वहाँ पर वो नदी का संगम है बेस और बेतवा का, और उसके बीच में वो स्थान है जहाँ उसके भगवान राम के पैर बने हुए हैं। और कलकल करती बहती हुई नदी जाती है तो बहुत सुंदर कालिदास ने किया है, वो अंतरिक्ष जैसे आकाश में जैसे वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं, वैसे उसने वेत्रवती का हाल बताया कैसे कलकल बहती है और उदयगिरी पहाड़ी के ऊपर से निकट से होती हुई जाती है। जैसा आप सभी ने देखा होगा कि नर्मदा का जो उद्गम है अमरकंटक के वहाँ, वो उसका बड़ा पौराणिक महत्व कैसे निकलती हुई बताई है, और उसका कितना उसकी देखभाल की और कितना उसका विकास किया जा रहा है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ, हमारा भी ऐसा मान्यता है कि बेतवा का उद्गम का जो क्षेत्र है ये बहुत ही घना जंगलों से घिरा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ विकास कार्य कुछ हुआ नहीं है, और हम चाहते हैं कि इस विकास कार्य के लिए कई संस्थाएँ जो शासकीय संस्थाएँ होती है, जैसे वन विभाग है, पर्यटन विभाग है, पुरातत्व विभाग है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन जैसे जिलाध्यक्ष होते हैं, ये सब मिलकर एक योजना बनाए, क्योंकि उद्गम का अभी बड़ी वहाँ आसपास में देखा जाए तो विकसित क्षेत्र है नहीं, और विकसित होने के बाद पर्यटक भी आएंगे, लोग भी आएंगे, धार्मिक लोग भी आएंगे, और वहाँ यदि हम देखते हैं तो ऐसे धार्मिक पौराणिक महत्व जैसे ऐसे ही हम उसको आगे बढ़ाएं, उसके लिए शोध का विषय है, तो देश विदेश के लेकर आगे यहाँ के संस्कृति की शोध करते हैं, तो हम चाहते हैं कि धार्मिक महत्व को देखते हुए भी यहाँ शोध किया जाना चाहिए और विकास किया जाना चाहिए। दिया तले अंधेरा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चंद किलोमीटर दूर इस महत्वपूर्ण स्थान पर ना तो धार्मिक और सांस्कृतिक विभाग और ना ही जल संसाधन विभाग ने इसे संरक्षित और विकसित करने के कोई भी प्रयास किए हैं। यहाँ तक कि इसका पुरातन इतिहास और महत्व बताने की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हैरानी होती है ना, जो नदी खुद को दूसरी नदी में मिलकर लोगों की प्यास बुझाने, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने और खेतों में हरियाली लाने का पवित्र कार्य कर रही है, उस नदी के जन्म स्थान, उसके उद्गम स्थल को लेकर हम सब कितने निष्ठुर, कितने बेपरवाह बने हुए हैं। इस नदी के किनारे सैकड़ों वर्षों का इतिहास खुद में समेटे हुए है। वहीं अगर सरकार और समाज ने इस नदी की कोख को नहीं सहेजा तो कहीं ये बेतवा खुद ही इतिहास बन के न रह जाए। ऐसे में सरकार की करोड़ों रुपयों की योजना धरी की धरी रह जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो जुड़िए इंडिया फर्स्ट की मुहिम से, हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर करिए अपनी आवाज बुलंद। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं,
हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इंडिया फर्स्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां बेतरवती। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज़।